करनाल की इंद्री की अनाज मंडी में आज सोमवार की शाम तक भी धान की खरीद नहीं हो सकी, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष बना हुआ है। यहां आपको बता दें कि खरीद एजेंसियों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इंद्री अनाज मंडी में धान को खरीदा नहीं जा सका। आढ़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है। जब बारदाना नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं है। मंडी में करीब कई हजारों क्विंटल धान है, जबकि खरीददार कोई नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो संभव है कि आगे भी खरीद ना हो सके। मंडी के प्रधान सतपाल का कहना है कि सरकारी खरीद को लेकर इंद्री एसडीएम से मिले थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। यहां बताते चले कि इंद्री मंडी में डीएफएससी, हैफेड और स्टेट वेयर हाउस तीनों एजेंसी धान खरीद करेंगी। सभी एजेंसियों को सप्ताह में दो दो दिन अलॉट किए गए हैं। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। पीआर धान की खरीद शुरू हुई नहीं है? नहीं, कोई खरीद शुरू नहीं जी। बहुत भारी मात्रा में माल पड़ा, सड़ रहे लोगों के, जमींदार परेशान है। कोई सरकार की तरफ से लेने की कोई तैयारी नहीं है अभी, ना कोई सेलर के साथ कोई इनका एग्रीमेंट होया, ना कोई सेलर वाले को देना चाह रहे माल भी है सेलर को। अच्छा जी, तो परसों से खरीद शुरू होनी थी, हुई नहीं, 26 तारीख से कहा था जी। क्या एजेंसियों का बारदाना नहीं है, क्या दिक्कत आ रही? एजेंसी कोई तैयारी नहीं है, ना कोई बारदाना एजेंसी के पास, ना कोई उनके पास है ही नहीं साहब लेने का माल, अभी किस चीज़ में भरेंगे, बारदाना है नहीं किसी के पास, आड़तियों के पास नहीं है, ना सेल वाले को बारदाना दिया। तो सरकार की पॉलिसी नहीं ठीक है? पॉलिसी नहीं, अभी तो क्लियर ही नहीं है सरकार की, क्या करेगी क्या ना करेगी। अभी तो किसानों को कितनी परेशानी हो रही है? किसान तो ये देखो सारा माल है, परेशान का तो इतना बुरा हाल हो गया कि मरने का गार बजा लिया सर। इन्होंने गेट भी बंद कर दिया था? हाँ, गेट भी बंद कर दिए। अभी कहते हैं कि वो बाहर का जिम्मेदार कहीं भी ले जा सकता है। अभी बॉर्डरों पे डीसी साहब ने बैठा दिया, बाहर का माल नहीं आएगा मंडियों में, यहाँ गेटों पे भी खड़े हैं पुलिस लगा दी गेटों। हाँ, सारे गेट बंद करा दिए जी, कोई भी अंदर ट्रैली नहीं आ रही, गेट बंद करवा दिए, सारा माल नहीं पड़े, देखो आपके सामने पड़ा सारा का सारा, कोई भी व्यवस्था नहीं आ, कोई भी इंस्पेक्टर नहीं आ रहा, कोई भी परचेजर नहीं आ रहा, कोई भी सेलर वाला नहीं आ रहा, खरीद के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस सरकार ने बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मचा रखी, कोई भी सिस्टम नहीं, आपको लेने का कोई देने का। किसान परेशान है, किसानों का माल ऐसे मरने पड़े, असर रहा कई कई दिन हो गए, अब तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो क्या इनकी पॉलिसी सही नहीं है, क्यों ये? इनकी पॉलिसी रोज बदलती है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आज हम ऐसे करेंगे, आज 17 मास्टर लेंगे, कभी 19 मास्टर बोलता, कभी 16 बोलता है, ना कोई किसी बारदाना भेज रहे और ना ही कोई सेलर आंदा, ना ही कोई परचेजर, कोई जनता जी। तो आड़तियों में भी रोष है किसानों? आड़तियों में रोष है जी, आड़त के पास 20-20 जिम्मेदार बैठे, देखो ये देखो पीछे हमारा माल ऐसे सकाश का हमने कट्टों में रखा, आड़ती जा रही है, देखो किसान खड़े, निगा खड़े, सब नहीं खड़े जी, हाँ बिल्कुल सब शाबता सब काम खराब ही रहे जी। हाँ, जगत सिंह जी। कहाँ से? मणपुर खान से जी। क्या दिक्कत आ रही जी? धीरे लेकर रही, 4 दिन कोई लेनी नहीं आ रहा। अच्छा जी, हाँ बुरा हाल हो गया। सरकार ने घोषणा करी थी कि 26 तक खरीद हो जाएगी, कोई नहीं। सरकार कुत्ती सरकार आया, न कमों की सरकार आया, या क्या घोषणा कर दी इन्हें? जिम्मेदार मरने पा रहा बिल्कुल, कोई फांसी लेगा मरेगा, कोई पोल पटंगेगा सियाब से, कहाँ से लिमिटा भरेंगे लोग, कहाँ से कर्जा देंगे, कहाँ से क्या करेंगे, सबसे कमी सरकार बनी थी बिल्कुल। हाँ, सब रनवे बने रहे सरकार में, क्या पता कर कहे चलता है, इतने बुरे इंसान बनाए दिए लोगों ने, अब फटाया का ऐसे आज देश ना झुकने दूंगा ना करना वो करने दूंगा, अब जिम्मेदार तो मार दिया ने बिल्कुल, बड़े बड़े वादे किए थे मोदी ने भी, खट्टर सरकार भी ऐसी है, उन्हें आज तक भी पान कन देखा भी क्यों लोगों के साथ, बस वोट की राजनीति, आप वोट लेनी तो वादे कर लिए, फिर कोई करना नहीं, हमारे महल्ले आराम वार का सब, उन्हें तो किसी की आज तक सुध ली नहीं, गांव में किसी का दौरा नहीं करा, भाई किसका कौन मर रहा कौन जी रहा, इतना बुरा हाल है जी सरकार का। रोज है किसान? हाँ जी बिल्कुल रोज है जी, सारे गेट बंद कर दिए जी, जिम्मेदार ट्रैले लियो सड़कों पर खड़े जी, बताओ क्या करा, 20 दिन बाद जीर कटवाने चढ़ाया गाँव वाला, आ जाएगी 25 ने, आ जाएगी 20 ने, आ जाएगी
फिर बोली नहीं आई, बस झूठे वादे कर रहे कि बोली आएगी और आई आई नहीं, कोई नहीं आ रहा, चार दिन हो गया हमने पड़े यहाँ। बाला जी 12 किले जीरे के हैं पके खड़े, यहाँ तक मैसेज गया नहीं, ये कहें भी मैसेज के द्वारा कटाओ, बताओ अनपढ़ आदमी कहाँ तक मैसेज देखेंगे, कहाँ कहाँ से कंपनी लाऊंगे, रोज के रोज एक किले का मैसेज आएगा, इतनी दिक्कत आ रही है, मतलब मालिकों को कर्जा ले रखा, कैसे पूरा पड़ेंगे इनका। तो खरीद तो 26 तक कह रहे थे, आज तीसरा दिन हो गया, आज तीसरा, ये पहले नंबर आंधी से हालत में, तो जो हालत है लोगों के इनके, जो सरकार के हालत है, तो ये तो पहली नंबर आंधी, क्यों गेट के ताले लगा दिए, जो किसान कोई जीरी लेकर आओगा तो यहाँ गेट के ताले लगा दिए, बहुत तगड़े दिक्कत में जी, बहुत तगड़े यहाँ लटकाने पड़ गए पुलिस के, दिक्कत आ रही भाई, बस इससे बत्ती क्या दिक्कत आओगी, जो लटकागा जीरी भेजनी पड़ेगी, ले नहीं रहे जी, हाँ कोई एजेंसी है, एजेंसी आई थी वो कहा जी हमारे पास ना तो बारदाना है फिलहाल, ना तरीके का पता भी, किस तरीके से हम खरीदेंगे, क्या हमारे साथ होगा भाई, किस तरीके से बारदाना देंगे हम, कहाँ इसको लगवाएंगे, ये फिलहाल कोई समस्या का हाल नहीं रहेगी, ना कोई उठाने वाला है यहाँ, हार दिखा भाई ना खरीद कर दे, तो मतलब गवर्नमेंट उठाएगी कैसे। प्रधान जी, खरीद को लेकर के एसडीएम के साथ बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया, क्या हुआ? हम मंडी के 10-15 पे खरीद के विषय में पहले सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, तो उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास गए, आज का दिन जो है स्टेट वेयर हाउस का दिन है, एजेंसी खरीदने का, उससे हमारी बात हुई उसके लड़के से, जो उन्होंने सोनू नाम का यहाँ लगाया हुआ है, तो उससे बात हुई भाई, उससे हमने कहा भाई अपना आज आपकी खरीद है, वो बोले मेरे पास तो कोई बारदाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसने जब ये जवाब दिया मैं एसडीएम साहब के पास चले गए, एसडीएम साहब के पास हमने सारी मंडी की समस्याएं बताई भी, ऐसे करके गेट पास नहीं कट रहे, एक दूसरा जो मंडी में सरकार ने 27-28 का निर्धारित दिन किया था भी, दो दिन जो मंडी में जीरी पड़ी है पीआर धान उसकी खरीद होगी, 29 से शेड्यूल वही से कट मैसेज के थ्रू आएगा, तो 27-28 को यहाँ पर कोई भी एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा, स्टेट एजेंसियां जवाब दे रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं आड़ती ही अपना बारदाना लगाएं, आड़ती ही की जिम्मेवारी होगी वेट की, उसके बाद उठाने की उनकी कोई वो नहीं है, लिफ्टिंग का कोई वो नहीं है, उनको ये भी नहीं है पता भी कहाँ रखनी है जीरी कहाँ जाएगी, तो आड़ती किस बेस पे उनको मान लिया वो खरीदे, बारदाना तो एजेंसी का होता है, जो भी खरीददार होता है उसी का बारदाना होता है, आड़ती क्यों बारदाना देगा, तो उस एवज में हम वहाँ साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा भी डीसी साहब से मैं 3-4 बजे डिस्कस करूँगा, और ये स्टेट का मसला है, राइस मिलर भी जब तक नहीं आएगा, मंडी वाले भी यही बोले भी जब तक राइस मिलर नहीं आएगा तब तक ये सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चल सकती, तो उसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया भी 4 बजे डीसी साहब से हम ऊपर ये पहुँचाएँगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको बता दें। जैसा तो व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था तो है ही नहीं मंडी में, माल इतना पड़ा है, कल तो आज तो सुखाई भी चल रही है, कल सुखाई का भी कोई यो नहीं होगा, क्योंकि माल इतना आ गया मंडी में, मेरे हिसाब से तो कई हजारों टन के हिसाब से माल पड़ा है। तो क्या खरीद एजेंसियां भाग रही हैं? हाँ, खरीद एजेंसियां इससे पल्ला झाड़ रही हैं, वो कह रही है जब तक राइस मिल नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खरीदते, थोड़ा तालमेल सही नहीं बैठ रहा राइस मिलरों के साथ, मतलब सरकार का तालमेल राइस मिलर के साथ क्या नहीं बैठ रहा, वो तो उन सरकार को पता है अभी क्या है, तो आड़ती का आड़तियों को मंडी में तो उसके बारे में मंडी वालों को क्या पता है, और जब सरकार ने खरीद स्टार्ट कर दिया है 26 से, तो वो लेना चाहिए सरकार ने, सरकार उसकी व्यवस्था करे, प्रिंट पे लगाए, कहाँ लगाए, अपने नॉर्म्स में ले, जो सरकार ने 17% किया हुआ है वो जीरी ले सरकार किसानों की, किसान क्यों तंग हो, कल किसान फिर सड़क पे होगा, आज तक तो टिका हुआ है, कल से या परसों जब भी किसान इतना तंग हो जाएगा, फसल उसकी खेत में खराब होने लग रही है, क्योंकि जब जीरी पक जाती है उसका तेला आ जाता है एक बीमारी का, वो 2 दिन खेत में ठहरती है, उसके बाद जीरी गिरनी स्टार्ट हो जाती है, तो किसान तो अब 2-1-2 दिन वेट हो कर नहीं, ये सारी किसान को तो जीरी काट फसल काटनी है अपनी 6 महीने की, तो क्या रोष है किसानों आड़तियों में, इसके बारे में किसान और आड़तियों में रोष तो है ही, किसान तो आड़ती तो पहले से ही रोष में है, जब से अध्यादेश लागू हुआ तब से तंगी है,
किसान भी तंग है इस अध्यादेश से, तो जब तक सरकार को ये कह रही थी भी MSP पे लेंगे, सरकार को लेना चाहिए। तो क्या सड़कों पे जा सकते हैं किसान? हाँ, किसान जाएंगे, जब किसान का माल नहीं बिकेगा तो किसान सड़कों पे ही होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.